देखते आज की खास खबर। खुलासा, देवबंद से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के खाते में कश्मीर से आता था पैसा। अदालत ने मानहानि के मामले में प्रिया रमानी को जमानत। अरुणाचल प्रदेश भीड़ में सतीश कौशिक के पास थिएटर जला कर खाक कर दिया। उत्तर प्रदेश के देवबंद से गिरफ्तार हुए जैश ए मोहम्मद के दोनों संदिग्ध आतंकियों को कश्मीर से फंडिंग हो रही थी। यूपी एटीएम की जाँच में यह खुलासा हुआ है। पता चला कि कश्मीर से लगातार पैसा दोनों आतंकियों के खाते में आ रहा था। दो खातों की तस्दीक हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि टेरर फंडिंग से जुड़े कुछ और खाते भी हो सकते हैं। एटीएस की एक टीम जांच के सिलसिले में कश्मीर जाने की तैयारी में थी। अब एटीएस यह पता कर रही है कि पार्टी में कौन खास लोग आए थे और इनका मकसद क्या था। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जी के अखबार द्वारा दायर मानहानि के मामले में सोमवार को पत्रकार प्रिया रमानी को जमानत दी। गौरतलब है कि मी टू अभियान के दौरान रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस पर अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें रमानी को बतौर आरोप रमन किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रमन विशाल ने 10,000 रुपए के मुचलके पर रमानी के जमानत दी है। अरुणाचल प्रदेश में बिहारी राज्यों से आम लोगों की स्थिति या निवास प्रमाण पत्र देने की सिफारिश का विरोध किया जा रहा था। इसी दौरान भीड़ को काबू करने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने हवाई फायरिंग की, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठे। उन्होंने ईटानगर ये गाड़ियों में तोड़फोड़ की, साथ ही कई बिल्डिंग को भी आग के हवाले कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को स्थितीय निवासी प्रमाण पत्र पीआरसी को लेकर हुआ था विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के घर समेत फिल्म मेकर और एक्टर सतीश कौशिक के 5 थिएटर जलाकर खाक कर दिए। इस घटना के वक्त सतीश राजस्थानी ईटानगर में ही थे और समय रहते वो ईटानगर सुरक्षित निकलने में कामयाब हो रहे। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के